राजधानी लखनऊ में बुधवार को लोकदल कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकदल के प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के साथ साथ प्रकोष्ठों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में संगठन के विस्तार पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बूथ स्तर तक संगठन तैयार करने के लिए जिला अध्यक्षों को प्रेरित किया गया। लालू प्रसाद मौर्य, सत्यदेव यादव, चंद्रजीत यादव, गुड़ाकर पांडे, सुनील यादव, मुलायम सिंह यादव, दीपक यादव, डॉक्टर प्रतिभा, प्रियंका तिवारी, राजेश भारती, ओंकार नाथ यादव, बाबूलाल कन्नौजिया, रामकिशन संखवास जैसे दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में बढ़ी हुई बिजली की दरों से गांव का गरीब किसान सबसे कम बिजली इस्तेमाल करता है और सबसे ज्यादा भार उसी पर डाला जाता है। सुनील सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि लोकदल की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोई भी कार्यकर्ता पीछे नहीं रहेगा। जनता की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ने का ऐलान प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। पश्चिम के साथ साथ पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनकी तारीखों की घोषणा जल्द से जल्द कर दी जाएगी। 18 जुलाई को लखनऊ में किसान के गेहूं एवं गन्ना के समर्थन मूल्यों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और ये प्रदर्शन करके महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को भी दिया जाएगा। विकास श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ।